आज मैं बहुत खुश हूं। कम से कम तुम्हें एक बात तो मानी। थैंक यू। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने जो भी किया अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए किया, एक खुशी के लिए नहीं। क्या? कौन है? वीजी, मैं हूँ मैं। पैम, भाभी आपको कब से उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपको क्या उठने का नाम ही नहीं ले रहे? डॉली जी, मैंने एक गल दसो तुझ। बोलिए। तुसी मेरे साथ कल थे? हाँ थी। तो हिंदी में बोला आपने, अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे इसको? Yes, I was there. ये तो अंग्रेजों वाली अंग्रेजी है। बल्लू वाली अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे इसको? बोलिए एलिफेंट बोलेंगे इसको। एलिफेंट? हाँ, एलिफेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाथी। हाथी? बल्लू जी, उसी में ना। कहाँ? जी पापा जी। कहाँ जा रही है? मैं बाहर जा रही हूँ। अरे इधर आ, इधर आ। अरे तेरी माँ को अंग्रेजी सिखा रहा हूँ तो भी सीख ले। नहीं पापा जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप कौन सी अंग्रेजी सिखा रहे होंगे। मुझे कोई अंग्रेजी नहीं सीखनी है। अच्छा कोई बात नहीं, अंग्रेजी मत सिखा, जा बैठ जा। अब बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हाँ हाँ, अब बता कहाँ भागी जा रही थी? निशान से मिलने। शाम को पार्टी की तैयारियां ना आपको ही करनी है, करके रखिएगा। अरे तूने मुझे कोई इवेंट मैनेजर समझ रखा है? हर फंक्शन की तैयारी मेरे सर पे थोप देती है। अरे आप ही तो कह रहे थे ना कि न्यू ईयर की पार्टी हम घर पर मनाएंगे। निशान से कह रहे थे कि बेटा तो घर पर ही आ जाना पार्टी करने। जी मनाइए न्यू ईयर, कीजिए तैयारियां। अस्सा पुत्र। जी पापा जी। पुत्र इधर। टाइम की बच्ची से मुझे बचा, ये मुझे इवेंट मैनेजर समझती है। सारे फंक्शंस की तैयारी मेरे सर पे थोप देती है। प्लीज शाम की तैयारी तू। आप चिंता मत कीजिए पापा जी, मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू। हाँ पापा जी, चीटिंग है, कभी तो आप अपने काम खुद कर लिया कीजिए। कोई नहीं यार, इतनी चीटिंग तो एग्जाम में भी चलती है। वैसे बल्लू जी। हाँ जी। इस बार का आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? न्यू ईयर रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन किस बला को कहते हैं? पापा जी मैं बताती हूँ आप, जब हम नए साल के मौके पर कुछ अच्छी आदतें डालना चाहते हैं और बुरी आदतें छोड़ देना चाहते हैं, बस उसी को कहते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन। तो फिर भाई मेरा कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं तो परफेक्ट आदमी हूँ, ना कोई बुरी आदत है और सारी अच्छी आदतें हैं। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ, जैसा हूँ वैसा ही सही हूँ, कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं। तो बल्लू जी मैं आपको बता देती हूँ, आप एक काम कीजिएगा, आप थोड़ा कम बोलना शुरू कर दीजिएगा। निशान, तुम्हारा कोई कॉल नहीं, मैसेज नहीं, और तुम मुझसे मिलने भी नहीं है। बोल क्या बात है? वो बोरीवली में ट्रैफिक जाम था ना, इसलिए। बाबा किस बात पे इतने नाराज हो तुम, बताओ क्या हुआ? तुम तो रहने ही दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमको तो मैं उस टाइप का लड़का लगता हूँ ना। किस टाइप का? लड़कियों को छेड़ने वाला, जो दिन रात रेखा, राखी, रोशनी, मल्लिका, माधुरी, इन सबके बारे में सोचता रहता हूँ, है ना? और कोई तो काम ही नहीं है मेरे पास। ओफो निशान, तो तुम इस बात पर नाराज हो? बाबा मैं तो मजाक कर रही थी, मैं बस नहीं चाहती थी कि तुम उस लड़की के घर पर जाओ, मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करो। ओके फाइन, आई एम सॉरी। सॉरी? ये सॉरी भी क्या अजीब चीज है ना, कुछ भी करके सॉरी बोल तो बात ही खत्म। ठीक है सॉरी नहीं बोलूंगी, प्लीज बाल ब्रह्मचारी जी मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मैं आपके चरण स्पर्श। रहने दो रहने दो, इतना भी गड़गड़ाने की कोई जरूरत नहीं यार। तुम इतनी क्यूट हो ना कि तुमसे कोई ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता, और तुम सॉरी नहीं भी बोलती ना
तो भी मैं तुमको माफ कर देता हूँ। अच्छा वैसे बताओ कि तुम शाम को पार्टी में क्या पहन रहे हो? अभी तक सोचा नहीं लेकिन देखूंगा। स्मार्ट बनकर आना, ये तो पता चला एवी मुंह उठाकर आ गए। तुम टेंशन मत लो, मैं मुंह उठा के नहीं आऊंगा, एकदम स्मार्ट राजा बाबू बन के आऊंगा। लेकिन निशान तुम स्मार्ट मत बनकर, तुम क्यूट ही बनकर। हाँ क्या ना, स्मार्ट बनना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा ना। फिर शुरू हो गई तुम? और क्या, अब सच तो हमेशा कड़वा होता है ना। तो मैं स्मार्ट नहीं दिख सकता? नहीं, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो ना, तो तुम स्मार्ट कैसे दिख सकते हो? ये बाल ब्रह्मचारी का स्मार्टनेस से क्या रिलेशन है? ना बाल ब्रह्मचारी स्मार्ट नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। आस्था ये क्या है? अभी सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है? कि भाग दौड़ करना बिल्कुल कम कर दो और तुम आते ही काम करने लग गए। करण, डॉक्टर्स ऐसे ही बोलते हैं। अब तुम डॉक्टर मत बनो, चलो बैठो यहाँ। डॉक्टर ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी है कि तुम्हारा ख्याल रखूं, और अब ये सब काम वाम करना बंद कर दो। आस्था तुम रेस्ट किया करो प्लीज। आपको मेरी इतनी चिंता है? मुझे तुम्हारी चिंता नहीं, अपनी गुड़िया की चिंता है। अच्छा फिर गुड़िया से बात कर लीजिए, मुझसे क्यों कह रहे? अब गुड़िया बिजी रहती है ना, मुझसे बात नहीं कर सकती। कोशिश कीजिए। हाथ उठाओ। गुड़िया, क्या गुड़िया पापा की बात सुन सकती है? जी पापा, बोलिए। गुड़िया मैं कह रहा था कि तुम ना बेटा रेस्ट करो, और ये जो तुम्हारी मम्मा है ना, ये जब स्ट्रेस लेती है ना तो उसका इफेक्ट तुम पे भी होता है। अब ये तो मेरी बात मानती नहीं, तुम ही मना दो अपनी मम्मा को। लेकिन पापा, मम्मा तो बहुत अच्छी है, आप एक बार रिक्वेस्ट कीजिए प्यार से, मम्मा मान जाएंगी। अच्छा अभी मनाता हूँ तेरी माँ। अच्छा ज्यादा नाटक सोच रहा है? करें। करोगी नहीं करोगी रेस्ट? नहीं करोगी? करेंगी 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 करेंगी। फिलहाल हम लेट हो रहे हैं पार्टी के लिए, नीचे सब वेट कर रहे होंगे, जल्दी से तैयार हो जाइए। जल्दी कीजिए, अभी तो आपको और 100 गुब्बारे फुलाने हैं। बेटी है या दुश्मन, कभी तो उम्र का लिहाज किया कर, मेरी उम्र नहीं है गुब्बारे फुलाने। प्लीज पापा जी, मेरे सामने ना आपके कोई बहाने नहीं चलने वाले। आपको जब भी कोई काम बताओ ना तो आप तुरंत बुड्ढे हो जाते। अरे मैंने कब कहा कि मैं बुड्ढा हूँ? मैंने कहा मेरी उम्र नहीं है गुब्बारे फुलाने की, मैं तो अभी बच्चा हूँ। आप बच्चे हो तो अब तक मैं तो पैदा ही नहीं हुई हूँ। और ये न्यू ईयर पार्टी 2016 की थोड़ी ना है, 1965 की है। क्यों पापा जी? पीछा ही नहीं छोड़ रही, क्या करूं? हाँ अभी देती हूँ। पापा जी, पापा आपको विश करना चाहते हैं। हाँ भाई, थैंक यू। कैसा चल रहा है वहाँ? चल ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके, सेम टू यू वंस अगेन। क्या, चलिए गुब्बारे फुलाइए। पुत्र तू हेल्प कर मुझे, ये पीछे पड़ गई है। ये दुनिया भर के गुब्बारे ले आई है फुलाने के लिए, मुझे नहीं होगा। कोई बात नहीं पापा जी, आपसे जितना होता है उतने ही फुलाइए। अरे जितना हो सकता था मैंने कर दिया, मैंने इतने सारे तो फुला दिए, अब मेरी छुट्टी। बिल्कुल नहीं, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं आपकी। चलिए अपना काम कीजिए, जल्दी जल्दी गुब्बारे फुलाइए। मैं देखता हूँ। हाँ आप कहाँ जा रहे हो, गुब्बारे फुलाइए। बढ़िया, मैं देखता हूँ, मैं देखती हूँ। हाय। हाय। नमस्ते अंकल जी। हाँ निशांत, आजा
अरे बैठ, बिल्कुल सही मौके पर आया। ये देखिए एक फट गया, लेकिन ये बाकी के सारे गुब्बारे तुझे फुलाने, 5 मिनट के अंदर ना। अंकल जी ये गलत बात है, मैं जब भी आता हूँ ना अब मुझे कोई ना कोई काम दे देते हो। अब मेहमान हूँ, मेहमान को थोड़ा आराम तो करने दीजिए। मेहमान मान न मान, मैं तेरा मेहमान, बेवजह अपनी इज्जत करवाना चाहता, और तू कोई मेहमान मेहमान नहीं है, तू इस घर का सदस्य है। चल 5 मिनट में सारे गुब्बारे फुला के दिखा। चल वो अंकल जी वो, मुझे गुब्बारे फुलाने नहीं आते। कोई बात नहीं, अभी सीख जाएगा, मैं किस लिए हूँ। आजा चल। अभी फुला? हाँ अभी, चल 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 शुरू हो जाए। अंकल जी ये नहीं फुल रहा है मुझसे। करण कैसा है? कहाँ है? वो कमरे में है, मैं अभी बुला के लेके आती हूँ। पापा जी आप दोनों बैठ के गुब्बारे फुलाइए, मैं अभी आती हूँ। अंकल जी ये मुझे सच में नहीं फुल रहे, आपने जब इतने फुलाए लिए तो बाकी भी फुला लीजिए ना। नहीं मैं तुझे मौका देना चाह रहा हूँ ना यार, तू समझ क्यों नहीं रहा। चल फुला। सासले सासले मुझे नहीं आता, मैंने आज तक कभी गुब्बारे नहीं फुलाए। जो गुब्बारा नहीं फुलाता वो फूल होता है, और मैं नहीं चाहता कि तू फूल साबित हो। चल फुला। चलो कम ऑन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये मेरा पियानो है, इसे बहुत संभाल के रखता हूं मैं, तुम इसे हाथ मत लगाओ। सिर्फ हाथ लगाया है, तोड़ा नहीं। ज्यादा बोलेगा तो तोड़ भी दूंगा। तुम्हें और तुम्हारी बीवी को बस एक ही काम तो आता है, तोड़ने का। क्यों सही कहा ना? जब तू अच्छे से जानता है तो बच के रहा करना, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन तेरा नंबर लग जाए। हिम्मत है तो हाथ लगा के देखो, तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। क्यों सोते हुए शेर को जगा रहा है? बेटा रुद्र से टकराना तेरे बस की बात नहीं है। शुक्र मनाओ अभी तक हाथ पांव सलामत है, वरना मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हारे अकल ठिकाने में लाने में। ठीक है तो आ जाओ, कर लेते हैं दो दो हाथ, देखते हैं कौन किसका दिमाग ठिकाने लगाता है। आंटी जी ने कुछ उल्टा पुल्टा खिला दिया है क्या? अपनी हड्डियां तोड़वाने का शौक आ गया तुम्हें? निकलो यहां से, म्यूजिक कंपोज कर रहा हूं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम डर गए हो? हिम्मत नहीं है तुम में। तुझे तो करण, आप दोनों यहां क्या कर रहे हैं? आपको पापा जी नीचे पार्टी में बुला रहे हैं। मैं तो छोटे से पूछ रहा था ये शर्ट कहां से ली है, अच्छी लग रही है, क्यूट लग रहा है। चलिए करण। करण क्या हुआ? समझता क्या आपने आपको? अच्छा हुआ कि तुम आ गई, वरना इसकी अकल ठिकाने लगा देता। करण छोड़िए ना, घर में पार्टी है, मूड क्यों खराब करना। चलिए पापा जी बुला रहे। वाह, बहुत शुक्रिया। समोसे ठूस रहे हो? मेरे पापा जी काम कर रहे हैं,
इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती ना? अपने पुत्र कब से बोल रहा हूं कि हेल्प कर रही नहीं रहा। रहने दीजिए पापा जी, आप चलिए उठिए, बहुत हो गया। क्या देख रहे हो? चलो बाकी बच्चे हुए ना, लग जाओ काम पे। ये बुलु 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 वाला कर जी। पर क्या गुड़िया बना रही है मैंने? नहीं नहीं पापा जी, ये तो पहनना पड़ता है, स्टाइल है। अरे पुत्र, ये बार्बी डॉल का स्टाइल है, बल्लू दा नहीं है। पापा जी मेरे लिए। चल ठीक है, तू कह रही है तो। अरे आ गया पुत्र। चलो डैड, सब लोग इकट्ठे हो ही गए तो पार्टी शुरू करते हैं। हाँ क्यों नहीं। नहीं पापा जी, रुद्रवीर जी को तो आने दीजिए। रुद्रवीर जी, रुद्रवीर जी। क्या क्यूट है? वेरी क्यूट। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब साथ में मिलकर एक परिवार की तरह न्यू ईयर मना रहे हैं। त्यौहार इसलिए होते हैं, ये सारे फेस्टिवल्स इसलिए मनाए जाते हैं, सब एक दूसरे को प्यार बांट सके, खुशियां बांट सके। और खुशियां बांटने के लिए और प्यार बांटने के लिए अपने परिवार से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। पता है, जब इंसान अकेला होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, तो उसका परिवार ही उसे संभालता है। और अगर पूरा परिवार एक साथ होकर रहे ना, तो घर घर नहीं स्वर्ग बन जाता है। बस कीजिए पापा जी। चलिए अब सब गेम खेलते हैं। हाँ चलो खेलते हैं। कौन सी गेम? हाँ ना, वो बलून वाला। क्या करना, क्या होता है उसका? हर पार्टनर अपने अपोजिट पार्टनर के साथ बलून शेयर करेगा, टमी टू टमी स्टिक करके, ठीक है? और जैसे म्यूजिक बजेगी तो राउंड सर्कल में डांस करते हुए बलून को बैलेंस करना, और जैसे बलून का बैलेंस बिगड़ा और बलून नीचे गिरा तो वो कपल टाई टाई फिश। ओके माय पार्टनर। चलिए तो गेम स्टार्ट करते हैं। बलून ऐसे एंड म्यूजिक। अब क्या करना है?
बुलाओ सबको। बेटा डाइटिंग पे चलो जी, ये भी डाइटिंग पे तो मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। एक और, एक एक और, मैं हम बंजी नहीं होगा। हाँ रख दे, चल भाई अब हमारे स्टाइल का चल उतर लगा बंगला लगा। अगर खत्म का हुई है बीजी, चलिए ना मजा आएगा सबके साथ। रहने दो पैम, वैसे भी डांस करना सबके बस की बात नहीं है। आज के बाद ये मत कहिएगा कि ये घर घर नहीं मंदिर। देख लीजिए अपने मंदिर की हालत, मां समान होती है, मां समान भाभी के साथ क्या घटिया हरकत की है इसने। मुझे तो पहले से ही पता था, गिरा हुआ इंसान है ये, नीच है। पासिंग, पासिंग, पासिंग।